संस्था टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सत्यजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बराबर वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो भाई आज मैं बात करना चाहूंगा हिंदी दिवस और इंजीनियर डे, क्योंकि आज इंजीनियर डे है और कल हिंदी दिवस था। तो भाई चलिए 15 सितंबर इंजीनियर डे और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के बीच की बातों को मैं एक साथ जोड़कर बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जहां भी मुझे कुछ संदेह होता है तो मैं ये वीडियो लोगों तक जरूर पहुंचाता हूं। तो भाई 2017 में जो पॉलिटेक्निक एग्जाम झारखंड गवर्नमेंट द्वारा ली गई, इस एग्जाम के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो भाई इस एग्जाम में 2017 में, चूंकि मेरे इंस्टीट्यूट से भी बहुत बच्चे दिए थे, जो टॉप रैंक था चलो वो तो काफी अच्छा था अंडर 100 में, लेकिन मैं कुछ और रैंकों को बताऊंगा। 64.25 जिस बच्चे का था उसका 327 रैंक था, और 62 लाने वाले का 430, मतलब कि भाई नंबर में डिफरेंस आई, इसने जो 62 लाया वो दो नंबर कम लाए 2.25, और 103 बच्चों से पीछे हो गए। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इसके बारे में मैं इसके कारण को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि भाई बच्चों का कुछ नंबर कम लाने पर कितने रैंक का डिफरेंस हो रहा था और क्या हुआ। इसी तरह से जिस बच्चे ने 49.75 लाया भाई उनका रैंक 1300 लगभग था, और 47.25 लाने पर 1600, मतलब कि भाई ढाई नंबर के डिफरेंस जो ये कम लाए उससे 297 बच्चों का डिफरेंस आ गया। और बाद में देखिए अब जैसे जैसे नंबर गिरते जा रहे हैं, मतलब एवरेज बच्चों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई 39.75 लाने वाले बच्चे और 38.75 लाने वाले बच्चे में एक नंबर का डिफरेंस, लेकिन यहां रैंक डिफरेंस आप देखो 301, मतलब लगभग 300 बच्चों का रैंक डिफरेंस है। मतलब आप देख सकते हो कि एक बच्चे पर 300, एक मार्क्स मतलब एक नंबर पर 300 बच्चों का डिफरेंस है। चलो भाई नंबर कम आया तो बच्चे का रैंक 300, मतलब एक नंबर काफी मायने रखता है। अब ये बात साबित हो रही है कि एक रैंक काफी मायने रखता है, क्योंकि हर कॉलेज में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की गवर्नमेंट की 60-60 सीटें होती है, जिनमें से जनरल सीटें 30-30 होती है, अर्थात मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अच्छे ब्रांच माने जाते हैं। और अगर 60 एक कॉलेज में अच्छे ब्रांच है तो इस तरह से 5 कॉलेज इनका छूट जाएगा अच्छे ब्रांच, मतलब 5 कॉलेजेस का अच्छा ब्रांच उनका छूट जाएगा अगर एक नंबर गलत होता है। अब मैं बात अगर ये कहूं कि भाई अगर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में मतभेद हो जाए, और ऐसे कंडीशन में हिंदी के क्वेश्चंस ही इंग्लिश से गलत छप जाए, तो क्या इन क्वेश्चंस का एवरेज मार्क दिया गया बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को? क्योंकि भाई इंग्लिश में तो क्वेश्चन सही था तो आप तो इस क्वेश्चन को सही बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन तो सही था, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इंग्लिश में सही थे। हिंदी में इन क्वेश्चंस को गलत छापा गया तो क्या आप ये देखेंगे कि जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम से थे, आप उनको अगर 3 क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा गलत था, तो 3 क्वेश्चंस का 3 नंबर क्या आपने 2017 में हिंदी मीडियम के बच्चों को दिया, और बाकी 7 क्वेश्चंस में भी आपने हिंदी के क्वेश्चंस में इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स यूज किए जहां मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चंस तो शायद एक ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी मीडियम के बच्चों को पता ही नहीं हो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में भुज और कोटि पढ़ता है, और अब उसे एफसीसा वर्ड अगर हिंदी के क्वेश्चन में लिख कर दे रहे हो, तो भाई मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस पर पूर्ण विचार हो। और भाई अब तो विचार किया नहीं जा सकता है, सारे बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, अब उन्हें नंबर देकर भी क्या फायदा, जिन बच्चों को जो कॉलेज नहीं मिला वो नहीं मिला। लेकिन फिर हम लोग हिंदी दिवस कैसे मना रहे हैं? मैं एक छोटा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे सारे इंजीनियर्स का, हमारे तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स का, कि भाई आप इंग्लिश की भी तैयारी करो, हिंदी दिवस अच्छी बात है, हिंदी होनी चाहिए, ये चीज सरकार पहल करे, सरकार पहले इन क्वेश्चंस को एक बार रीवैल्यूएशन करें। और मैं कहूंगा कि 2017 का क्वेश्चंस आप लोग खुद नेट पे डाले हो, झारखंड सरकार के नेट पर 2017 का क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन नंबर 4, 12 और 28 हिंदी से पढ़कर बनाएं तो आपको पता चलेगा कि आपने इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में कितना चेंज कर डाला है। और चूंकि क्वेश्चंस भी मैथमेटिक टाइप का है, तो इंग्लिश में तो मैं कहूंगा क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक्स नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन भाई हिंदी में और हिंदी दिवस था इसलिए मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं। चूंकि 3 क्वेश्चंस पर तो मेरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, 4 नंबर, 12 और 28,
जो 2017 में झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछे गए, मैं क्वेश्चंस भी कुछ दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे आपको मैं कहूंगा 28 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और आप अगर देखें तो मैं एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूं, ताकि जो लोग क्वेश्चन अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो वो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से देख लें। ये देखेंगे कि ये झारखंड पॉलिटेक्निक का डाउनलोड किया हुआ क्वेश्चन है, और आप इसमें ध्यान दीजिएगा 2017 का 28 नंबर क्वेश्चन। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल से जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, और वो वॉकिंग कर रही है लैंप पोस्ट के बेस से। चलो अच्छी बात है, आप इसको हिंदी में पढ़कर आप बता दें कि गर्ल्स का हाइट 90 सेंटीमीटर कहाँ है। एक लड़की लैंप पोस्ट की ऊंचाई से 90 सेंटीमीटर का अंतर, एक लड़की लैंप पोस्ट के ऊंचाई से, लैंप पोस्ट की ऊंचाई से 90 सेंटीमीटर का अंतर 1.2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब भाई लड़की लैंप पोस्ट की ऊंचाई से, लड़की लैंप पोस्ट की ऊंचाई से, क्या लैंप पोस्ट की ऊंचाई से लड़की 90 सेंटीमीटर ऊंची है कि लड़की की पूरी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है? ऐसी छोटी छोटी बातें जो हिंदी में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया होगा। तो मैं बताना चाहूंगा भाई कि ऐसे ऐसे प्रश्न है, मैं एग्जाम्पल के रूप में एक प्रश्न दिखा दिया, इस तरह के काफी क्वेश्चन है। मैं अब वीडियो में भाई मैंने 2017 का जब क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी इन वर्डों को यूज किया हूं, और मैंने तो सारे क्वेश्चंस बनाकर मैथमेटिक्स के दिखाए भी हैं। तो भाई ये क्वेश्चंस मैंने नंबर लिख दिया है 4, 12, 28 जो मुझे ज्यादा सेंसिटिव लगा। उसके बाद बहुत सारे थे वर्ड्स जो शायद हिंदी में दिए जा सकते थे, भाई अब बेलन है तो शंकु है साथ में, तो बेलन को आप सिलेंडर कह रहे हो, शंकु को शंकु कह रहे हो, घन को घन कह रहे हो, घनाभ को क्यूबॉइड कह दे रहे हो हिंदी में। तो भाई अब जो इंग्लिश में 2-3 वर्ड्स, मैं मानता हूं कि कुछ चीजों का हिंदी काफी ज्यादा डेंजर हो जाता है तो उसे इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहां तो उल्टा बात हो गई है कि इंग्लिश में आप रेक्टेंगल कर रहे हो और हिंदी में भाई क्या था, मैं वर्ड भी थोड़ा सा बोल जा रहा हूं, लंब चौके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिखाता हूं, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द, और आपने यहां पर साफ साफ रेक्टेंगल वर्ड यूज किया है और हिंदी में उसे लंब चौके कह दिए। तो भाई आप हिंदी में अगर कंफ्यूज करना चाह रहे हो तो फिर इंग्लिश के बच्चों को रेक्टेंगल करके सीधा प्रश्न क्यों, उन्हें भी लंब चौके का कुछ इंग्लिश टाइप का वर्ड बनाकर डाल देते तो मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन होता, नहीं तो फिर इसको आयत दे देते। तो इस तरह के कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और हिंदी दिवस के दिन में इन बातों को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि 1 नंबर से 300 बच्चों का रैंक पीछे होता है, और मैं तो अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर रखा हूं डिप्लोमा के बच्चों के लिए, तो ऐसे टीचर और ऐसे स्टूडेंट दोनों को दर्द होता है जब जब एक एक नंबर के लिए अगर बच्चे फाइट कर रहे हैं। मैं तो बताता हूं बच्चों को हमेशा कि 0.25 से बच्चे गलती करोगे तो तुमसे कम से कम 100 बच्चे आगे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत कर देते हो 100 बच्चे आगे हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत बनाना मतलब रंगना नहीं है, अगर नहीं आता छोड़ दो, रंगोगे नेगेटिव चला जाएगा, 1/4 का नेगेटिव है। और आप सही क्वेश्चंस के बजाय हिंदी और इंग्लिश में अगर इतना मतभेद कर देंगे तो भाई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहां जाएंगे, उन गांव के बच्चों का मुझे चिंता है जहां पर अभी तक एजुकेशन सही ढंग से स्टार्ट नहीं हो पाया। हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आज बहुत सारे पारा टीचर्स या अदर के भरोसे आज ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेशन सिस्टम हमारी चल रही है, और डिप्लोमा IIT लेवल का नहीं है, IIT लेवल पर तो चलो CBSE की आज बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग का होड़ लगा हुआ है, तो डिप्लोमा कोर्स आज मिडिल क्लास के बच्चे, काफी गरीब घर के बच्चे करते हैं, और वो हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के बाद किसी सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकलते हैं। तो भाई इस प्रकार के इंग्लिश के 10-10 मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन में मैं कहूंगा 4-5 तो काफी सेंसिटिव मिस्टेक है। अगर इस तरह के बड़े बड़े मिस्टेक हिंदी इंग्लिश में अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी निकालोगे तो मेरे ख्याल से नो डाउट 4-5 मिस्टेक्स और निकल ही जाएंगे। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंदी दिवस के दिन अगर हम लोग भाषण देते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखना होगा जहां पर हम हिंदी भाषी बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत छोटा होगा कि भाई क्या होगा, 2-4 क्वेश्चन आगे तो बात डिप्लोमा में इंग्लिश में पढ़ना है। भाई मैं जानता हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे आज डिप्लोमा में बहुत बेहतर 80% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, और अच्छा आज तो मैं कहूंगा कि कुछ बच्चे BIT सिंदरी में गए, आपने बराबर वीडियो में देखा भी होगा, कुछ बच्चे इसरो रिसर्च सेंटर में भी हैं। लेकिन भाई आप
पहले इन्हें एक मौका तो दो, अगर आप इसे डिप्लोमा में ही इनके मनोबल को तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। तो भाई आज का वीडियो में मैं ज्यादा इसे लंबा नहीं ले जाना चाहूंगा, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आज इंजीनियर डे है, तो मेरे सारे इंजीनियर्स, मेरे भविष्य के इंजीनियर्स, जितने भी बच्चे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये झारखंड के कोने कोने तक गूंज उठे और 2019 में आपको इस तरह के प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि 2019 में अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स लगातार आते रहे और ऐसे प्रश्नों को नजरअंदाज करने दिया जाए तो फिर हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ भी बड़ा बेइंसाफी होगा। तो आज का वीडियो भाई हिंदी डे के रूप में है, और मैं देखो भाई मैंने तो भाई हिंदी लिखा ही नहीं, मैं तो इंग्लिश लिख रहा हूं, तो आप भी बोलोगे कि सर आप तो हिंदी डे के दिन भी इंग्लिश लिख रहे हो। तो भाई हिंदी दिवस ऐसा नहीं कि हम केवल हिंदी लिखकर, जहां पर जरूरत है, जहां इंपॉर्टेंट है, वहां हमें हिंदी दिवस बनाने की आवश्यकता है। तो भाई ये वीडियो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक ना कर शेयर करें, उन सारे इंजीनियरिंग के बच्चों तक शेयर करें जहां तक ये पहुंच सकता है। तो भाई मैं आशा रखूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो चलिए हिंदी दिवस का सभी को मुबारकबाद भाई, और टेंशन नहीं लेना है, सत्यजीत सर आपके साथ हैं, और ये हिंदी दिवस में भाई हिंदी का जो मुहिम है और जो हमारे हिंदी मीडियम के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो अपना हिम्मत ना तोड़ें, क्योंकि सत्यजीत सर उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे। और चलिए आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद जय भारत।